दोस्तों नमस्ते, मैं मिलिंद भाऊ स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों आपके कमेंट्स के अनुसार हम वीडियो में बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं। शुरुआती के टाइम में जो वीडियो की एडवर्टाइजिंग के लिए छोटा सा क्लिप रहता है उसमें भी टाइम रिड्यूस कर दिया है और भी चीज़ें हम ऐसी बदलाव कर रहे हैं कमेंट्स के अनुसार। तो दोस्तों लास्ट 2 वीक पहले हमने एक वीडियो डाला था 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीशन का। तो दोस्तों वहाँ तक के लिए आपने जो भी सपोर्ट किया तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सिर्फ 2 ही वीक में हमने 700 के पास सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही आपका सपोर्ट हमें चाहिए दोस्तों, और मिलता रहेगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी चैनल बढ़ने के लिए। आपके घर के आजू बाजू में इसी तरीके का माहौल हमेशा होना चाहिए जिससे आपके मन को शांति मिल सके। ये घर जो है एक विलेज का घर है, ऐसा बोल सकते हैं कि पास में से हाईवे गुजरा है और हाईवे के साइड का घर बोल सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़िया है। इस घर में शूटिंग के लिए जब मैं परमिशन मांगने गया था तो सर ने एक बहुत अच्छी बात की। फर्स्ट थिंग उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने मेरा आधार कार्ड उन्हें दिखाया और जो चैनल पे मेरे नंबर्स है वो नंबर्स को भी मेरे आधार लिंक है ये उन्हें बता दिया, तो उनको और भी सेफ महसूस हुआ। दोस्तों ये अच्छी बात है, आपके घर में कोई अजनबी आता है तो पहले ये चेक करो कि वो बंदा सही में जेन्युइन है या फिर आज की दुनिया तो आप देख रहे हो अननेसेसरी चीज़ों से हमें उलझना पड़ता है कभी कभी, तो वो अवॉइड करने के लिए ये चीज़ों का ध्यान रखें। तो इस घर में जो बैठक व्यवस्था है ये हॉल की, और सिंपल सा पीओपी का डिज़ाइन है, लेकिन बात सिंपल या बहुत दिखावे की या चमचमाने की है नहीं। बात ये है कि आप अपने घर को सजाते हो किस तरीके से और साफ सुथरा किस तरीके से रखते हो। अगर आपके घर में अस्ताव्यस्त पड़ी हुई है चीज़ें तो वो घर में अपना मन ही खुद ठीक नहीं लगता, मतलब अपने मन को ही वो भाता नहीं है कि भाई स्पेस में ऐसा ही करके। किचन में आप देख सकते हो ये किचन ट्रॉलीज और छोटे मोटे कबर्ड्स जो बनाए हैं कम स्पेस में भी कितने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ रखी जा सकती है, इसका ये प्यारा सा एग्जांपल है। ग्रेनाइट से बना हुआ कबर्ड है और लेफ्ट साइड में देवालय बनाया है। बहुत बार मैंने देखा है देवालय आग्नेय दिशा में रहता है, तो सही दिशा है वो। आप देख सकते हो कि फ्रिज हो या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, हर एक चीज़ के लिए सही जगह होनी बहुत ज़रूरी है। वो थोड़ा बहुत स्पेस आपका एक्वायर कर लेती है, लेकिन सही मायने में उनकी जगह रखनी बहुत मैटर करती है। आने जाने के रास्ते में आप रखते हो तो वो ठीक नहीं लगता है, या फिर आते जाते छोटे बच्चों का ख्याल रखना, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। बेडरूम का पोर्शन, इस घर की सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगी कि हर एक चीज़, चाहे वो बेडरूम हो या अपर साइड का स्लैब का पोर्शन हो या फ्रंट का गार्डन का एरिया हो, मतलब साफ सुथरा रखा गया है। 6 साल कंप्लीट हो गए हैं इस घर को, ऐसा लग नहीं रहा है कि इतने साल हो गए हैं। चाहे वो पेंटिंग का वर्क हो या छोटी मोटी चीज़ें, घर के लिए क्या नहीं लगता है। घर एक दुल्हन के जैसा होता है, उसे आप जितना सजाओगे उतना कम है। और ये जो फर्नीचर, ये बाकी की चीज़ें, शोपीस, ये जो होता है ये उसका मेकअप होता है। तो चलिए स्लैब के ऊपर चलते हैं।
बेसिकली मुझे मतलब बहुत प्यारी चीज़ क्या लगती है कि गांव में इस तरीके से बढ़िया घर या बंगलोज बन रहे हैं, जो छोटे मोटे भी हो, चाहे 1000 स्क्वायर फीट में हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गांव में जो बदलाव आ रहे हैं ये 10-15 साल में, वो बहुत बड़ी बात है। पहले इतना होता नहीं था, लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं था और अनाज या बाकी की चीज़ों से पैसा उतना जनरेट नहीं होता था। आजकल वो चीज़ आसान हो गई है। दोस्तों, हमारी बातें कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हमें माफ़ कर देना। और हमारे चैनल पे बने रहे, सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही बस यही आपसे मिन्नत है। और कुछ मिला होगा हमारे चैनल से आपको नॉलेजेबल, तो इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तभी करिए जब आपको इसमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।